हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज अभी हम लोग का डे टू है। तो अभी आज हम लोग इस टेंट से निकल के जा रहे हैं जैसलमेर। जैसलमेर थोड़ा सा विज़िट करेंगे, तो देखते हैं जैसलमेर में क्या क्या है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून एंड चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग वेट कर रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट हम लोगों का इस पैकेज के साथ ही इंक्लूडिंग था, जो हमारा इस टेंट का जितना भी प्राइसिंग था वो सब मैं बाद में आई थिंक एक वीडियो में डिस्कस करूंगी कितना क्या बजट लगा हम लोगों का गुड़गांव से जोधपुर जैसलमेर विजिट करने में। तो उसके रिलेटेड दूसरे वीडियो में मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूंगी। अभी करना है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलने वाले हैं, कुलधारा जाने वाले हैं। उससे पहले मुझे क्या लेना है, एडाप्टर लेना है। उससे पहले तुमको नहीं मिलेगा ये तो यहीं पे इधर डेजर्ट के अंदर है। ओके, तो मुझे एडाप्टर लेना है सबसे पहले, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज मैं अपना फुटेज ट्रांसफर नहीं कर पा रही हूँ। मेरा कैमरा फुल हो चुका है, ऐसे बहुत सारा हचपच हो रहा है। तो वी आर ट्राइंग टू सॉर्ट दिस आउट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को लेके जाते हैं कुलधारा। हाय, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा जाने का सेकंड डे है और हम जैसलमेर में कल जो भी एक्टिविटीज़ थे यहाँ पे, एक डेजर्ट सफारी, कैंपिंग सारे कर लिए। सुबह सुबह निकले हैं। हमारा डेस्टिनेशन हमारा है वो है हमारा कुलधारा। कुलधारा हिस्ट्री में थोड़ा बता देता हूँ हम लोगों को। ये कुलधारा एक अबंडेंट विलेज है। यहाँ पे ऐसे हुआ था कि यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मिन्स रहते थे, जो मतलब जो यहाँ पे रहने वाले थे वो पालीवाल ब्राह्मिन्स थे। तो ऐसे हुआ कि एक रात अचानक सारे जितना भी गांव वाले थे सारे अचानक एक दिन गायब हो गए थे वहाँ से, और कुछ भी पता नहीं चला था उन लोगों को। और फिर उस टाइम से जो गांव है वो खाली पड़ी है, पूरी पूरी की पूरी खाली है। ये मतलब बहुत सारे स्टोरीज हैं उसके पीछे, मतलब बोला जाता है कि दैट इज कास्ट विलेज एंड बहुत सारे और भी मतलब स्टोरीज है। सच्चे क्या कितना है पता नहीं है, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को भी। तो वही हम लोग भी पहली बार देखेंगे, ये विलेज विजिट करेंगे और साथ में आप लोगों को भी लेके जाएंगे। तो क्या है देखते हैं, अगर किसी को हम लोग ढूंढ के निकाल सकते हैं वहाँ से तो वो भी हम लोग ऐसे ही मजाक कर रहे हैं तो वो भी हम लोग जाते हैं वहाँ पे। टाइम थोड़ा आई थिंक 35 मिनट्स लगेगा जो मैप पे दिखा रहा है। तो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन आज के लिए वही होगा। तो चलते हैं वहाँ पे, फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ वो विलेज कैसा है। अभी हम लोग उतरे हैं रोड के बीच में ही। यहाँ पे आपको ये सारे येलो येलो जो स्टोन है दिख रहा है ना, ये इसी से ही यहाँ का कंस्ट्रक्शन होता है। तो हमें लगा कि एक लेके जाते हैं घर पे, उसका मेमोरी भी रहेगा और थोड़ा मतलब ऐसे ही देखते हैं डेकोरेशन के लिए रखेंगे और मेमोरी, स्पेशली मेमोरी के लिए कि यहाँ पे आके कुछ लेके गए। तो वही हम लोग लेने के लिए उतरे हैं कार से। बताओ, हम लोग ये दो लिए हैं, हम घर लेके जाएंगे। और यहाँ पे देखो मतलब लाइन से क्या है, ये बोर्ड सिर्फ दोनों दोनों मिक्स होके घूम रहे हैं। हम लोग वेस्ट बंगाल के हैं। ये सुबह लेके निकलते हो और फिर शाम को लौटते हो। आप कैसे काउंट कैसे कर लेते हो इतना सारा है बोल के, मतलब आपको पता है कितना है टोटल? कितना है आपका? 450। 450। अरे ये पूरा यहीं पे, वो डेली डेली काउंट कर लेते हो क्या आप? सुबह और शाम को? ओ नहीं, अदरवाइज एक दो छूट जाएगा तो प्रॉब्लम। पूरा दिखाता है। हाँ। ये इंडिया। हाँ। दिख रहा है। हाँ। हम अभी है यहाँ पे।
ठीक है, जैसलमेर। हाँ। यहाँ से ये पास में ही यहाँ पे है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है ये। ओके, जो लाइन ब्लैक मार्क दिख रहा है लाइन छोटा सा, ये बॉर्डर है, इसके उधर से ही आई थिंक पाकिस्तान स्टार्ट हो जाएगा। ये है पाकिस्तान वाला हैदराबाद, मतलब ज्यादा दूर है नहीं, जितना दूर हम लोग इधर से 100 किलोमीटर है। ओके, मतलब हम लोग अभी आज जाने वाले हैं जोधपुर, जब तक हम लोग जोधपुर पहुंचते हैं उल्टा जाएंगे तो पाकिस्तान पहुंच सकते हैं ना। तो अभी हम लोग चलते हैं खवा फोर्ट, जो कि वही पालीवाल ब्राह्मिन्स के अंडर में था, वही लोग बनाए थे 200 ईयर्स पहले, तो वही है वो फोर्ट हम लोग पहले विजिट करेंगे। उसके बाद जो नीचे में पोर्शन है वहाँ पे ऐसे विलेज जैसा है, पहले वहाँ पे पूरा विलेज था बट अभी कुछ है नहीं, तो वो भी विजिट करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ये है वही अबंडन विलेज, ये भी आपका कुलधरा के अंदर ही आता है, तो उसको ये नहीं आता है कुलधरा के अंदर। कुलधरा, अच्छा कुलधरा यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है, बट ये भी एक बीच में फोर्ट है जो देखने में तो बहुत ही बढ़िया। इधर भी कुछ है, इधर आओ। अच्छा यहाँ से विलेज, यहाँ से हम लोग आई थिंक यहाँ से हम लोग विलेज भी जा सकते हैं। जाना है क्या नीचे? आई थिंक नहीं, वो रोड के उस पार और इस पार दोनों साइड मिला के है ना। कुछ तो नजर है। वो अब यहाँ से पीकॉक का साउंड भी आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है क्या मेरे पीछे? पीछे का जो है ना सब कुछ आई थिंक अबंडन है, मतलब पहले था यहाँ पे कुछ, अभी तो कुछ है नहीं, ऐसे पत्थर जैसे गिरा हुआ है। नहीं, अभी भी है लोग, वो जो पार्ट है ना, रहते हैं। अच्छा उस साइड पीछे। हाँ जाना है। बस हम लोग आ गए हैं पूरा ही फोर्ट के ऊपर। बाप रे ये तो हिल रहा है, तो आपको ऊपर से थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। जहाँ से हम लोग आए थे ये था वो रोड, और दिस इज द फोर्ट। अभी हम लोग फोर्ट के ऊपर में हैं, तो ऊपर से व्यू कैसा है वो आप लोगों को दिखाती हूँ। ऑलमोस्ट हो चुका है, तो हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तो चलिए चलते हैं यहाँ से। ओके गाइस, तो फोर्ट हम लोग घूम चुके हैं, हमारा फोर्ट घूमना हो चुका है, अभी यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे। तो आप जाएंगे कुलधारा? अभी कुलधारा जाएंगे। कुलधारा नहीं प्यारे, ये वाला नीचे वाला विलेज को एक्सप्लोर करेंगे। हाँ। फिर जाएंगे कुलधारा। ओके, अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है इस टाइम पे अक्टूबर के टाइम पे, तो आप एक स्वेटर मतलब हल्का सा जैकेट जैसा लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इवनिंग को और सुबह को ठंडा लगने लगता है, और इस टाइम पे यहाँ पे बहुत धूप है, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो ऐसा वेदर है, तो अगर बेटर है आप एक छोटा सा मतलब जैकेट जैसा आप लेके आए। फोर्ट बाहर से ऐसा दिखता है, बहुत ज़्यादा धूप है, पूरा डायरेक्टली सन आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग अभी निकल जाते हैं, फिर जाते हैं हमारे दूसरे लोकेशन पे, और आई थिंक ये पीछे का जो विलेज है वो भी हम लोग विजिट करने जाएंगे, तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। रुको, आई थिंक ये है वो विलेज, इसमें तो आई थिंक लोग रह रहे हैं, और हम लोग उस फोर्ट में थे, उसके ऊपर हम लोग थे। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, उसके ऊपर थे हम लोग, अभी ऊपर से हम लोग यहाँ पे नीचे आ गए हैं नीचे का ये सब देखने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई थिंक लोग रहते हैं यहाँ पे। तो अभी हम लोग इस फोर्ट के जस्ट स्टॉप पे थे, मैं जो आपको व्यू दिखा रही थी ना उसके नीचे से ही जो दिख रहा था विलेज, अभी दुबई वाला फीलिंग नहीं है। हाँ, इसमें ऐसे दुबई जैसा फील, दुबई वाला फीलिंग कैसे समझेंगे, हम लोग कभी गए नहीं है दुबई। दिखता है मूवी में। हाँ मूवी में दिखता है ऐसे। कौन सा, क्या है? अच्छा हाँ, ऐसे दुबई जैसे फील दे रहा है ये। आई थिंक कभी जाएंगे दुबई तो पता चलेगा कितना मैच हो रहा है इसके साथ। तो वही है ऊपर से जो हम लोग देखे ना अबंडन विलेज, वही है, उसी के बीच में से हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं। तो कहाँ तक?
मंदिर, हाँ वहाँ पे एक उस साइड एक मंदिर भी है आई थिंक, मुझे मतलब मैं ऐसे इमेजिन कर रही हूँ जिस टाइम पे लोग उधर यहाँ पे जिस टाइम पे लोग रहते थे उस टाइम पे कितना ऐसा होगा चहल पहल, इतने सारे लोग, अभी तो ऐसे मतलब बस बिखरे पड़े हैं। हाँ तो देख के ही मुझे थोड़ा सा ऐसे, पत्थर देख रहे हो, कौन सा पत्थर वाला? हाँ ये इसमें क्या है, इसमें ऐसे ही है कि ये हवा के तेज से ऐसे हो गया। ओ हवा से हुआ है ऐसे, ओ वेरी गुड। बहुत कुछ है यहाँ पे जो हम लोग मतलब लाइफ में सोच भी नहीं सकते हैं ऐसा हो सकता है इंडिया में ऐसे ऐसे प्लेसेस, तो बस हमें वही है, हम दोनों में ऐसे कीड़ा है कि थोड़ा हम लोग घूमने जाए इधर उधर बस जाते रहते हैं और मतलब वही है। तो मुझे भी लगा आप लोगों के साथ ये सब शेयर करना चाहिए क्योंकि जो लोग यहाँ पे विजिट नहीं कर सकते हैं उनके लिए तो आप घर पे बैठ के देख सकते हैं ना क्या है इंडिया में नहीं है, तो वही है सोलो पर्पस हमारा क्या है ये सब वीडियोस वगैरह बनाने के लिए। तो हमें दूर से एक लेक जैसे दिखा तो उसी पे हम लोगों को लगा कि चलते हैं, आपको आई थिंक दिख रहा होगा ऐसे दूर में वो लेक है, तो यहाँ पे दो साइड में ऐसे कैक्टस है ये सब, तो मतलब वही मुझे ये देखो इस साइड भी है, इस साइड दूर है, यहाँ पे पास में जाए क्या जाके एक थोड़ा सा लेंगे कैक्टस कैसा है रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। यहाँ पे सामने ही है ना वो उधर से ही वो तालाब स्टार्ट हो रहा है, ये झील जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो कितना प्रीटी लग रहा है ये मतलब ऐसे ब्लू वाटर और ऐसे मतलब क्या बोलते हैं ऐसे ब्रिक ब्रिक्स का कलर जैसा है और उसके साथ ब्लू वाटर बहुत ही प्रीटी लग रहा है और ऐसे साइड में सारे कैक्टस का प्लांट है। तो अभी उतर के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। आई थिंक दिस इज ये कैक्टस का वो ट्री है, ट्री प्लांट जो भी आप बोल सकते हैं। तो सामने से बस मुझे इसको रिकॉर्ड करना था, देखना था ऐसा है ये। बचपन में मैं बुक में पढ़ती थी, मुझे याद है मुझे ऐसे पापा पढ़ाते थे ये सब कैक्टस, ये बुक में रहता था, इसका फोटो लगा के हम लोगों फोटोज भी बनाते थे याद है, पेंट करके इसमें आई थिंक बायोलॉजी में हमें ये सारे पेंटिंग्स वगैरह करना पड़ता था। तो आई थिंक ये वो लेक है, छोटा सा ही लेक है, बट इस एरिया में मतलब पानी देखने को मिल रहा है मुझे दो दिन में, आज पहली बार आई थिंक, वो भी इतना बड़ा लेक, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है ये देख के। अरे वो रास्ता वहां से है, इसका रास्ता वो दिख रहा है ना ब्लैक जैसा, थोड़ा सा पैच जैसा दिख रहा है ना, वहां से इधर आ सकते हो। गाइस ये है कैक्टस का प्लांट एंड आई एम सो एक्साइटेड, मुझे मैं अंदर नहीं जाऊंगी बट मुझे, अरे यार मुझे ये रिकॉर्ड करना था डेजर्ट में कैक्टस, आहा हा हा, बचपन से जो पढ़ते आ रही हूँ मैं, जो देख सुनते आ रही हूँ वो आज मुझे लाइव देखने को मिला, आई एम सो एक्साइटेड, थैंक यू मुझे यहाँ पे लेके आने के लिए। बोलना नहीं है कुछ भी, मैं चीज देख रहा हूँ क्या, ये एक दूसरे पौधा है। हाँ वो अंदर से हो गया है, से घुस गया इसको अलग, नहीं कैक्टस ने इसको जपेट लिया। हाँ, अरे ये वाला वो लंबा वाला डंडा जैसा है ना, ये अंदर आया है कैक्टस के बीच में दूसरा प्लांट एक हुआ है, बट आप लोग देख सकते हैं हम लोग कहाँ आ गए हैं, यहाँ पे कोई नहीं है, दूर दूर तक आपको कोई इंसान नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दो चार भेड़िया, एक चुड़ैल है यहाँ पे ठीक है, और कोई नहीं है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे दो चार बस भेड़िया कुछ देखने को मिलेगा, बट नहीं भेड़ है, भेड़ हाँ। और भेड़ भेड़िया में डिफरेंस नहीं समझती हूँ मैं, तुझे अक्कल है, तू क्या बोल रही है, जो भी है बट भेड़िया मतलब है उल्फ, अच्छा अच्छा मतलब गोट जैसा कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पे और कुछ नहीं मिलेगा हम दोनों के अलावा, हम दोनों कहीं कहीं पे भी घूम रहे हैं, बस हमें देखना है मतलब राजस्थान में क्या है कैसा डेजर्ट है वो सब, हाँ वो सब हमें एक्सप्लोर करना है, तो इसीलिए गाड़ी कैसे खड़ा है, क्या कैसे खड़ा है नीचे से दिखाओ, गाड़ी का टायर वहीं पे लटका हुआ है, कुछ भी मतलब कुछ भी मतलब, चलो 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 चलते हैं यहाँ से निकलते हैं हम लोग आज बहुत टाइम हो गया, अभी कितना टाइम हुआ है, 11 बज गया है और हम लोग अभी दो तीन प्लेस ही विजिट किए हैं, अभी बहुत सारा और बाकी है, तो चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और बस निकल जाते हैं।
गाइस, मैं यहाँ पे किसी रास्ते में खड़ी हूँ, ठीक है। मेरे इधर उधर कोई नहीं है और मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए हैं। हम लोगों को अभी गाड़ी वाला शॉट लेना है, तो उसके लिए मुझे छोड़ के चले ना जाए बस। ओके गाइस, तो इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं कुलधारा एंड जैसलमेर फोर्ट। बट अगर ये वीडियो में मैं सब कुछ इंक्लूड करती तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, देखने में इंटरेस्टिंग नहीं लगता। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, डेफिनेटली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड इसका पार्ट वन भी है जैसलमेर का, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ एंड बाय।